धनतेरस समृद्धि का त्यौहार। धनतेरस जो एक प्रमुख हिंदू त्यौहार है और यह दिवाली त्यौहार से 2-3 दिन पहले मनाया जाता है। यह कार्तिक महीने में 13वें चंद्र दिवस के अंधेरे पक्ष में मनाया जाता है, जिसे आमतौर पर कार्तिक अमावस्या कहा जाता है। धनतेरस को विशेष रूप से समृद्धि का त्यौहार कहा जाता है। इस दिन महंगे सामान खरीदना शुभ माना जाता है। ऐसा माना जाता है कि धनतेरस के दिन किया गया खर्च आपको साल भर में कई तरह से धन का लाभ कराता है। इसी वजह से लोग धनतेरस तक अपनी महत्वपूर्ण खरीदारी स्थगित कर देते हैं। धनतेरस के दिन वाहनों का खरीदारी करना भी एक आम चलन बन गया है। त्योहारों के दिन स्टील के बर्तन और बर्तनों की काफ़ी मांग रहती है। ग्राहकों की मांग को पूरा करने के लिए दुकानें अपने आम समय से काफ़ी देर तक खुली रखती है, जो लोग महंगे सामानों पर ज़्यादा खर्च नहीं कर सकते वे छोटे चांदी के सिक्के खरीदने की कोशिश करें, क्योंकि यह भी शुभ माना जाता है। धर्म और समृद्धि का यह हिंदू त्यौहार देवी लक्ष्मी की पूजा करने के साथ ही शुरू करना चाहिए। साथ ही आयुर्वेद और अच्छे स्वास्थ्य के देवता भगवान धन्वंतरी की भी स्वास्थ्य और दीर्घायु प्रदान करने के लिए पूजा की जाती है। पूजा पाठ व अनुष्ठान ज़्यादातर शाम के वक्त घर के प्रत्येक सदस्य की उपस्थिति में और पारंपरिक पूजा स्थल पर किया जाता है। चूँकि यह समृद्धि का त्यौहार है, इसलिए लोग अपने घरों को भी साफ करते हैं, उन्हें एक नया रंग देते हैं और उन्हें कई तरह से सजाते हैं ताकि घर को एक समृद्ध रूप से देखा जा सके। सजावटी रोशनी, लैंप, पेंटिंग, सोफ़ा कवर और तमाम चीज़ों से घर को अंदर तथा बाहर से सजाया जाता है। धनतेरस के बारे में पूरी बातें यह है कि यह हर किसी को समृद्ध और अच्छे स्वास्थ्य का एहसास कराता है, जैसा पहले कभी नहीं हुआ। निष्कर्ष: धनतेरस हिंदुओं का सबसे महत्वपूर्ण त्यौहार है। यह न केवल समृद्धि और अच्छे स्वास्थ्य का जश्न मनाने का त्यौहार है, बल्कि नए उद्यम और वित्तीय निवेश करने का भी एक बेहतर अवसर माना जाता है। इस दिन का महत्व बाजार और खरीदारी के लिए उत्सुक लोगों की भारी भीड़ को देखकर लगाया जा सकता है।